हेलो दोस्तों, हम सभी सोना के बारे में काफ़ी अच्छे से जानते हैं, यानी कि गोल्ड के बारे में तो अच्छे से जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोने में जंग क्यों नहीं लगता है? सोना एक पीले रंग की धातु है जो काफ़ी कीमती होती है। यह हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल से सिक्के बनाने, गहने बनाने और धन के रूप में संग्रह के लिए इसका उपयोग किया जाता रहा है। भारत को सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था। सोना और कॉपर दो ऐसी धातुएं जो सबसे पहले खोजी गई थी। सोने की शुद्धता को कैरेट में मापा जाता है, तो आज हम जानेंगे कि किसी अन्य धातु की तरह सोने में जंग क्यों नहीं लगता। वैसे तो कई लोग जानते होंगे कि जंग लगना किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी समझते हैं इसके बारे में। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है, जब धातुओं का संपर्क वायु व नमी से होता है तो इसकी सतह पर अवांछनीय पदार्थ जैसे ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड आदि बन जाते हैं। इसे संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना और कापर व पीतल की सतह पर हरे रंग की परत का बनना इत्यादि। तो फिर सोने में जंग क्यों नहीं लगता? आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में सोना नोबल मेटल है जो रासायनिक रूप से निष्क्रिय है और प्राकृतिक या औद्योगिक वातावरण में इसमें जंग नहीं लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सोना वातावरण में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है और यह धातु विकृत भी नहीं होती है। आयुर्वेद के अनुसार सोना बल, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। हालांकि सोना ऑक्साइड नहीं बनाता है क्योंकि यह कम से कम प्रतिक्रियाशील धातु है। इसे जमीन से अपने शुद्ध रूप में निकाला जाता है, जबकि अन्य धातुओं को धातु अयस्क से धातु निकालने के लिए महंगी औद्योगिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। यदि आभूषण में सोने का कैरेट ज़्यादा हो तो आभूषण कमजोर होने की संभावना कम हो जाती है। हम आपको बता दें कि कैरेट सोने की शुद्धता परखने की एक इकाई है। इसके अनुसार जिस किसी वस्तु यानी गहना, सिक्का आदि में सोने की मात्रा 99.9% हो उसे 24 कैरेट सोना माना जाता है। 18 कैरेट वाले में 75%, 24 कैरेट वाले में 58.5% और 10 कैरेट सोने में 41.7% शुद्ध सोना होता है। बाकी का जो भाग होता है वो अक्सर चांदी या अन्य धातुओं जैसे कि तांबे, निकिल, लोहा इत्यादि का बना होता है। जिस गहने में सोना 14 या उससे कम कैरेट का होता है उसके कमजोर होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। हम आपको बता दें कि सोना इकलौती ऐसी धातु है जिसका रंग पीला होता है। कुछ और धातुओं का रंग भी लगभग पीले रंग जैसा हो सकता है, परंतु ये तभी हो सकता है जब इन धातुओं की क्रिया किसी विशेष रसायन से कराई जाए। सोना बहुत ही लचीली धातु होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मात्र 28 ग्राम सोने की लगभग 8 किलोमीटर लंबी एक बहुत ही बारीक तार बनाई जा सकती है। अंत में आपको बता दें कि भारत में सोने का उपयोग बहुत पहले से ही होता आया है। कुछ सोने के अवशेष मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि सोने का उपयोग उस समय गहनों के लिए होता था। सोने का औषधि के रूप में वर्णन 2300 वर्ष पहले लिखी गई चरक संहिता में किया गया है। यहाँ तक कि चरक के द्वारा रचित अर्थशास्त्र में सोने की पहचान करने के उपाय, कहाँ से सोने को प्राप्त किया जा सकता है के उपाय और इसके उपयोग के बारे में बताया गया है। इससे ज्ञात होता है कि भारत में उस वक्त स्वर्ण कला का स्तर उच्च था। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि सोने में जंग इसलिए नहीं लगता क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, जिससे इसके ऊपर कोई परत नहीं बनती, जैसे कि लोहे में बन जाती है। लेकिन पसीने के कारण इत्र, डिओडोरेंट और एसिड आधारित सफाई संसाधनों के रिसाव के संपर्क में आने से सोना खराब हो सकता है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।